कहाँ फंस गया पाओ। आप कैमरा नहीं लेके जाएं? क्यों? चल पाँव में फंसा दो। कैमरा ऑन, मैं टनल में। ओए ओए आई बा ओ चलो भाई, आज की हमारी स्टोरी शुरू होने जा रही है विंटरलैंड की। तो विंटरलैंड की स्टोरी ये हो गई है कि स्कर्दू तो हम जा नहीं सके इस दफ़ा महंगाई की वजह से, तो हम जा रहे हैं, गाड़ी लॉक कर दूँ, हाँ, तो हम जा रहे हैं विंटरलैंड क्योंकि गर्मी बहुत है। बच्चों के साथ प्रोग्राम है और आज आपको पूरा एक्सपीरियंस अपना विंटरलैंड का आपके साथ शेयर करते हैं। ऑनलाइन बुकिंग और उसकी वजह से क्यू वगैरह में हमें लगना नहीं पड़ा, तो पास भी आ गए हमारे और ये बैंड्स भी हैं, तो बैंड शर्ट पहन लें और फिर अंदर जा रहे हैं। हमने लिए हैं वीआईपी पासेस और इनकी रिजर्वेशन भी ऑनलाइन हुई है सब कुछ, और इसका वैसे तो आज इतना रश नहीं है लेकिन इसमें एंट्री में ना हमें क्यू में नहीं लगना पड़ता। तो बहरहाल चेक करते हैं सिंक क्या है। अच्छा हाँ, चल लगा। अच्छा भाई, अब हम विंटरलैंड के बन के रह गए। देखो क्या लगा। हाँ चलो 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 चले जी। हमारी एंट्री हो गई है प्रीमियम प्रीमियम टिकट की वजह से हमारी हो गई है अच्छी वाली एंट्री, और इसमें कोई भी नहीं है तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी तो सन्नाटा है। अभी हम ये देंगे ये कपड़े और वो कपड़े हम पहनेंगे और फिर अंदर जाएंगे। ये रहा। ये रहा। मेरी नई जैकेट आ गई। अगला जो सवात का ट्रिप है वो इसी जैकेट में होगा। चलो भाई ग्लव्स भी आ गए। बॉस आज जो गर्मी है ना और इधर जो हब्स हो रहा है, क्या बताऊँ मैं आपको। मुझे लगता है बहुत सही दिन आए हम और इन्होंने हमें जैकेट्स वगैरह दे दी हैं, और जैकेट्स और ग्लव्स इनकी तरफ से, और अच्छी बात ये कि साफ़ हुए हुए हैं, ड्राई क्लीन हुए हुए हैं और बस अंदर जा रहे हैं पहन रहे। वाह ग्लव्स आ गए। आपके ग्लव्स कहाँ हैं? कसम से मज़ा आ गया, जिसको कहते हैं मज़ा आ गया। वाह ये पूरा आइस एज वाला जो है इनका सीन है यहाँ पे। जाओ जाओ ये भाई इग्लू में गए हमारे बच्चे। ओए मैं यहाँ से और ये निकलेंगे यहाँ से। आइस एज का सेट याद है आपको? हाँ है। भाई यहाँ पे आए हो और राइड्स नहीं ली तो मज़ा नहीं आएगा। राइड्स ले लें ऊपर से। Oh
सही स्लिप हो रहे यार, ये बैग पकड़ो। यार पैसा वसूल है। थैंक यू यार। भाई ये बड़ी इनकी एक राइड है, मैरी गो राइड है, और उस पर पूरी फैमिली बैठ गई है। तो मेरी बेटी यहाँ बैठी हुई है, बेटा और बेगम वो बैठे, और अब ये घुमाएंगे हमें, तो देखते हैं कितना घूमते हैं। भाई पैसे वसूल हैं, आप स्टैंडर्ड टिकट लें या प्रीमियम टिकट लें, पैसे 100% वसूल है। ओह माय गॉड, ये है भाई स्नोफॉल। यहाँ की स्नोफॉल हो रही है। भाई क्योंकि हमारा जो है ये प्रीमियम पास है और उसके अंदर फ्री फोटोग्राफी भी शामिल है, तो जो फोटोग्राफर भाई हैं उन्होंने कहा है कि मैं आपकी फ्री जबान लड़खड़ा रही है, जम गई है, फ्री फोटोग्राफ्स हो रही हैं। ये भाई इनका यहाँ पे अंदर वाला कैफ़े है और प्रीमियम पासेस के ऊपर या वैसे भी आप कॉफ़ी, आइसक्रीम और ब्राउनीज ले सकते हैं। इस वक्त हम आइसक्रीम नहीं खा रहे, कॉफ़ी की ज़रूरत है। बॉस दी ग्रेट, कॉफ़ी या चाय तो बहुत ज़रूरी है और मनफी 10 पे तो कॉफ़ी का ज़रूरत है, तो इन्जॉय करेंगे कॉफ़ी भी और मज़ा आ रहा है, बच्चे भी सही इन्जॉय कर रहे हैं। ठंड तो ऐसी है कि बस क्या बताऊँ मैं आपको, लाजवाब। चलो जी हमारा कॉफ़ी ब्रेक या टी ब्रेक समझे आप, ज़बरदस्त हो गया, रिफ़्रेश हो गए, एनर्जाइज्ड हो गए, और क्योंकि प्रीमियम टिकट है तो हम इसमें जो है ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं, बिकॉज़ दूसरे टिकट में सिर्फ फ़र्क ही यही है कि आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, प्रीमियम में ज़्यादा रुक सकते हैं। चलो भाई सीन ऑन कर रहे हैं, इस वाली राइड में ऊपर जा रहे हैं। टनल वाली राइड है, बहुत वीआईपी लग रही है। जाओ जीजू पहले आप जाओ, इधर देखो कम ऑन, आओ आओ। कैमरा ऑन, मैं टनल में, ओए ओए आई वाह, ओ बॉस ऐसा नहीं है कि आप समझे कि विंटरलैंड सिर्फ बच्चों के लिए, नहीं ऐसा नहीं है यार, यहाँ पे बड़ों के लिए भी इक्वली वैसी फन वाली ज़बरदस्त किस्म की राइड्स हैं और स्लाइड्स हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी हैं और सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे हमारे थोड़े से जो है ना आज शिवर कर रहे हैं, कपकपा रहे हैं, और -10 में रहना बहुत देर तक आसान नहीं है, तो इस वजह से हम बस आखिरी एक दो राइड्स ले रहे हैं या जो भी चीज़ है, फिर हम निकल लें यहाँ से। यहाँ से भाई आपको ऊपर से पीछे मेरे सारा विंटरलैंड दिख रहा है, ऑसम एक्सपीरियंस है। हाँ
अभी तो हमारे पास वैसे टाइम भी है, लेकिन बेगम बच्चे सारे शिवर कर रहे हैं, जबान मेरी भी लड़खड़ा रही है। बाहर निकलते हैं और फाइनल वर्डिक्ट आपको बताता हूँ, और इन द मीन टाइम अगर कोई मुझे चीज़ मिल गई तो मैं रुक जाऊँगा। बॉस विंटरलैंड के अंदर अगर आपने आके आइसक्रीम नहीं खाई ना तो पैसे वसूल नहीं होंगे, बता रहा हूँ आपको। ये देखें भाई, ये इनकी बॉल है जिस पे आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। सब लोगों ने अपना फीडबैक किया हुआ है, बिकॉज एक्सपीरियंस जो है ना आपको बहुत औसम एक्सपीरियंस है, और निकलने के बाद तो आपको बहुत बुरा भी फील होता है लेकिन अच्छा भी फील होता है, क्योंकि -10 में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात यह कि अंदर का मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट ये बता दूं, पांव कम्प्लीटली फ्रीज हुए हुए हैं, जैसा जब हम स्नोई एरियाज़ में जाते हैं, बर्फ़ वाले एरियाज़ में जाते हैं, पांव जम चुके होते हैं, बिल्कुल सेम वही कैफियत है। सर जमा हुआ है, हाथ जमे हुए हैं, नाक बिल्कुल अंदर से फ्रीज़ कर रही है, बट इट वॉज़ फन एंड वर्थ इट, मज़ा आया, पैसे वसूल।